आज ग्लोबल ह्यूमन राइट ट्रस्ट ने मुझे यहाँ बुलाया अपने प्रोग्राम में, जिसमें नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया शीतल जी को। बहुत ही अच्छा लगा उनके बारे में जान के, उनके बारे में सुन के कि उन्होंने कोरोना में कितना ज़्यादा काम किया है। ये हम सब के लिए इंस्पिरेशन है और एक सीख है कि हम लोग समझें कि हर चीज़ गवर्नमेंट पे छोड़ना या फोर्सेस पे छोड़ना ज़रूरी नहीं है। आम इंसान जितनी एक दूसरे की मदद कर सकता अपने नेबर में, अपने इर्द गिर्द, अपनी सोसाइटी में, इससे ज़्यादा कोई नहीं कर सकता। तो मेरी रिक्वेस्ट है पब्लिक से कि प्लीज़ जितने भी गरीब लोग जो आज की डेट में डेली वेजर्स हैं, एक तो प्लीज़ उनको रिस्पेक्ट करें। वो रेडी लगा रहे हैं, वो कुछ करें, इवन वो 10 रुपये ज़्यादा मांग रहे हैं, दिस इज़ द टाइम हम उनकी हेल्प कर सकते हैं कि 20 का अगर वो 30 मांग रहे दे दो। ग्लोबल ह्यूमन राइट्स ट्रस्ट की तरफ से उन लोगों को सम्मानित करने हैं जिन्होंने कोरोना के सिलसिले में बहुत योगदान दिया है। समाज उनको याद यहाँ पर रखता है, कैसे कोरोना वॉरियर जितने भी है सारे ही सम्मानित उनको करने के, वो मैं समझता हूँ वो हकदार यहाँ पे हैं, चाहे वो सैनिटरी स्टाफ हो, प्रेस वाले हों, मीडिया के साथ साथ पुलिस वाले हों, ट्रैफिक वाले हों, डॉक्टर्स हों, पैरामेडिकल स्टाफ हो, जितने भी सेक्टर्स हैं। लॉकडाउन इंप्लीमेंट करने में उन लोगों ने बड़ा ताबून दिया, उसमें से ऐसी शख्सियत भी कोई निकल के आती है जिन्होंने उस वक्त में बहुत ज़्यादा योगदान दिया। आज इस ट्रस्ट ने उन लोगों को सम्मानित किया, मैं दिल की ग्रांड ट्रस्ट का शुक्रिया अदा करता हूँ। यह मुहिम जारी रहनी चाहिए, ऐसे आइडेंटिफाई करें जो लोग भी सिविल सोसाइटी में ऐसा रोल अदा करते हैं। हम सब लोगों का फ़र्ज बनता है कि हम उनको प्रोत्साहन करें, सम्मानित करने से बाकी लोगों को भी एक प्रेरणा, एक नई दिशा यहाँ पे मिलती है कि सब लोग इस मुश्किल घड़ी में एक दूसरे का साथ दें।